नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच पारी और 65 रनों के अंतर से जीतने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर से माफी मांगी है। दरअसल पहले टेस्ट मैच के दौरान दर्शकों ने आर्चर पर नस्लीय टिप्पणी की थी। मैच खत्म होने के बाद इंग्लैंड के इस तेज गेंदबाज ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद केन विलियमसन ने उनसे माफी मांगी। किवी कप्तान ने कहा कि जोफ्रा आर्चर के साथ जो भी कुछ हुआ, न्यूजीलैंड को उसके लिए नहीं जाना जाता है। साथ ही केन विलियमसन ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा ना हो, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो आर्चर से इसके लिए माफी मांगते हैं। वो अपने देश के क्रिकेट फैंस से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं रखते। तो वहीं जोफ्रा आर्चर पर नस्लीय टिप्पणी किए जाने के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट ने दूसरे टेस्ट मैच की सुरक्षा बढ़ा दी है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा कि दोषियों को पुलिस के हवाले किया जाएगा और सीसीटीवी फुटेज में पकड़े जाने पर भविष्य में किसी भी मैदान पर उन आरोपियों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी डेविड व्हाइट ने कहा कि हम बहुत निराश हैं, यह अस्वीकार्य कार्य है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्टीड ने कहा कि उनके कुछ गेंदबाज भी आर्चर से बात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भीड़ में से किसी एक मूर्ख ने टिप्पणी की होगी, उम्मीद है कि आरोपी को पकड़ने के बाद उसे सजा मिलेगी। तो वहीं इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि मामले की जांच में वो न्यूजीलैंड क्रिकेट की मदद कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि ये पूरा मामला पहले टेस्ट मैच के आखिरी दिन के खेल के दौरान का है, जब मैदान पर जोफ्रा आर्चर सैम करन के साथ मिलकर इंग्लैंड को हार से बचाने के लिए जूझ रहे थे, लेकिन हार को टाल नहीं पाए। बस इसी वक्त किसी दर्शक ने जोफ्रा आर्चर पर नस्लीय टिप्पणी कर दी और उन्हें गाली दी, जिसकी जानकारी जोफ्रा ने खुद दी थी। क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।